हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे। और हम आ चुके हैं फिर से वही जगह पे जहाँ पे हमने फर्स्ट व्लॉग बनाया था, और वहाँ से मैंने बोला था कि आपको ऊपर का व्यू दिखाएंगे। तो चलो चलते हैं ऊपर और आपको ऊपर का नज़ारा दिखाते हैं। और काफ़ी बहुत मस्त है और इधर ग्रीनरी वगैरह बहुत है। और दोस्तों, इस जगह को सोनाले डिंडीगढ़ नाम से जाना जाता है इधर। तो दोस्तों चलिए साथ में और अपन अब उधर से ऊपर का व्यू देखते हैं। दोस्तों हम लोग ऊपर पहुंच चुके हैं, मेरी गाड़ी में मैंने इधर पार्क कर दी है। और चलो चलते हैं ऊपर से, और थोड़ा चल के जाना पड़ेगा दोस्तों। दोस्तों इधर जगह जगह पे पेड़ लगाए हुए हैं, इधर बहुत सारे पेड़ लगे हुए भी है, लेकिन फिर भी पेड़ लगाए बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों मैं चलते चलते थक चुका हूँ और काफ़ी हाइट पर है ये मंदिर। दोस्तों अभी मंदिर पहुँचे भी नहीं है और 5-10 मिनट लगेगा दोस्तों। तो दोस्तों मैं मंदिर में फाइनली पहुँच चुका हूँ और यहाँ से आपको नज़ारा दिखाता हूँ और मंदिर के दर्शन कराता हूँ। दोस्तों हमने फाइनली डिंडीगढ़ महादेव मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अभी थोड़ी देर में चल रहे हैं नीचे। दोस्तों आप ये जो बोर्ड देख रहे हो, इसमें ये भाई साहब भी आने का डर रहता है इधर। दोस्तों इधर काफी खतरनाक जंगल जैसा दिख रहा है, देखो पीछे पूरा जंगल ही जंगल है और काफी मस्त नजारा भी है इधर का। और चलो माता जी के दर्शन करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों बहुत कम लोग ही आते हैं जो महादेव जी के दर्शन करके नीचे चले जाते हैं, और यहाँ पे बहुत कम लोगों को मालूम होएगा शायद। और दोस्तों मैं डिंडीगढ़ मंदिर बहुत बार आ चुका हूँ, लेकिन इस मंदिर पे ये आपके साथ में दूसरी बार जा रहा हूँ मैं। और चलो चलते हैं। दोस्तों चप्पल इधर ही खोल देते हैं। और ये बजरंगबली का मंदिर।
इस साइड में दोस्तों भैरव जी का मंदिर है शायद, चलो देखते हैं। तो दोस्तों मैंने आपको डिंडीगढ़ महादेव मंदिर के दर्शन करा दिए, और आपको अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज़, और हमें सपोर्ट करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ।